बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमानाज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। व्यूज़, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों को बनाने का तरीका बताया था, तो मैंने जोड़ा नहीं था। आज मैं जोड़ने का तरीका बताऊंगी। ये पीस भी मैंने उसी दिन बना लिया था, तो मैं इसे इस तरह से जोड़ लूँगी, इस तरह से। इसकी जो कोने इस तरह से, और ये, और ये जो है ये वाले हिस्से हैं, और इसके बीच में सिर्फ इस तरह से दो पीस इस तरह से मैंने जोड़ के रखे हुए पहले से, तो उनको मैं इस तरह से बीच में जोड़ूंगी, तो इस तरह की डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बीच का हिस्सा है जो मैंने उस दिन आप लोगों को बनाने का तरीका बताया था, और ये साइड है इसके। तो ये जो है ये वाला, ये नहीं, इसको हम इसके साथ इस तरह से जोड़ेंगे। जहाँ से इसकी ये जोड़ है वहाँ से हम इसकी नोक के पास इस तरह से रखेंगे, और इस नोक को यहाँ पे बीच में इस तरह से रखेंगे, फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए, हम चारों पीसों को इसी तरह से जोड़ेंगे। अभी हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से ये देखिए, ये आराम से मुड़ जाती है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तक ये देखिए, ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ तक ही हमने इसको सिलाई करनी है। आप जब शुरू में बनाने लगे तो यहाँ पे टांका ज़रूर लगाएं, वरना अगर थोड़ी सी भी खिंचाव आ गई तो ये ख़राब हो जाएगी, आपकी मेहनत बर्बाद होगी। इसलिए मैं पक्का कर रही हूँ इसको इस तरह से। अब यहाँ से इसको ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको जोड़ लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट करूंगी और यहाँ पे सिलाई ख़त्म करूंगी, और ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पे हम लोग ये पीस जोड़ेंगे इस तरह से, वो भी बिल्कुल लास्ट में। यहाँ से इसको हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये देखें इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इससे जो है गद्दी के कवर भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है ये। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बना के किस तरह से इससे आप गद्दी का कवर बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से, अब यहाँ पे एक और जोड़ेंगे, और ये लास्ट है इस तरह से, जैसे मैंने इनमें बताया था आपको बिल्कुल उसी तरह से। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे।
यहाँ पे जोड़ेंगे, ये लास्ट। इस तरह से अब इस तरह के हमने चार पीसेस बना लिए हैं, उन्हें इस तरह से आप भी जोड़ेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे, फिर इसको पलट कर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से इसको रख देंगे यहाँ तक। ये देखिए ऐसे इस तरह से इस तरह से हिस्सा मुकम्मल हो गया इसका। अब ये तीन हिस्से रहते हैं, मैं आपको एक और यहाँ पे जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ तक जोड़ेंगे इस तरह से। फिर हम इसको इसके साथ इस तरह से जोड़ेंगे। और इस तरह फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा बना लिया। ये देखिए इसके बीच में हम यहाँ पे ब्लैक पट्टी लगाएंगे, तकरीबन 1 इंच या फिर 1.5 इंच की, तो
इंशाल्लाह मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका भी बताऊंगी ये किस तरह से जोड़े जाएंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे आज की जो रिली की डिज़ाइन है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही शमानाज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई रिली के डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।